तो आज हम दोस्तों बनाने जा रहे हैं मसूर दाल का चावल के आटे में स्टफिंग कर कर पीठा। बहुत ही टेस्टी लगता है यह पीठा। तो आज मसूर दाल का पीठा बनाकर आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे मसूर दाल ले लिए हैं। आपको जितना पीठा बनाना हो उसके आवश्यकता अनुसार मसूर दाल ले लीजिएगा। तो इसे हम 4-5 घंटा पानी में फूलने के लिए रख दिए थे और पानी में फूल गया, तो इसे अच्छे से धोकर साफ कर कर ले लिए हैं। तो अब इसे हम मिक्सर जार में पीसेंगे। ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसना है। तो पीठा बनाएंगे उसमें हम हरा मिर्च और लहसुन को पीसकर डालेंगे। तो पहले इसे पीस लेते हैं। यहाँ पे 6-7 हरे मिर्च ले लिए हैं, इस तरह 2 टुकड़ों में तोड़ लिए हैं और 2 गोटा लहसुन को इस तरह ले लिए हैं। कुछ छिलका हटा के लिए, कुछ छिलके सही थे, तो इसको पीस लेते हैं जार में। तो देखिए लहसुन और हरे मिर्च को भी पीसकर मिक्सर जार में ले लिए हैं और यहाँ पे मसूर दाल को भी दरदरा मिक्सर जार में पीसकर ले लिए हैं। बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है इस तरह। तो देखिए गैस जलाकर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। दाल को भूनने के लिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, तो इसमें हम सरसों तेल रख लिए हैं, जीरा तड़का दे देंगे। जीरा चटक गया है तो जो लहसुन और मिर्च पीस कर रखे थे उसे डालकर भून लेंगे। हम 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर रख लेंगे, थोड़ा सा गोल मिर्च पाउडर रख लेंगे और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर रख लेंगे और इन सभी को अच्छे से मसाले में मिलाते हुए भूनेंगे। देखिए सभी मसाले को थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं तो पीसे हुए दाल को हम इसी में डालकर भूनेंगे। देखिए मसाले में अच्छे से मिलाते हुए दाल को बढ़िया से भूनेंगे। दाल भून रहा है तो इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। तो देखिए लगातार चलाते हुए इसे सूखा भून लेना है। बढ़िया से चलाते हुए देखिए दाल को बहुत ही अच्छा भून लिए हैं। दाल पूरा एकदम सूखा हो गया है। अब इसे ठंडा कर तब चावल के आटे में भरेंगे। मसूर दाल का पीठा बनाने के लिए यहाँ पे चावल का आटा हम ले लिए हैं। तो चावल का आटा ले लिए हैं तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालकर अच्छे से चावल के आटे में मिला लेंगे। तो देखिए नमक को बढ़िया से चावल के आटे में मिला दिए हैं। अब इसे हम गुनगुना पानी से सानेंगे, डालकर अच्छे से चावल के आटा में मिलाते हुए सानेंगे। देखिए अच्छे से मिलाते हुए आटे को सान लिए हैं। आटा चावल का सनकर तैयार हो गया। तो देखिए दाल ठंडा हो चुका है तो अब इसे हम चावल के आटे में स्टफिंग करेंगे। तो यहाँ पे चावल के आटे में से गोला ले लेंगे। आप जितना बड़ा पीठा बनाए उसी के हिसाब से गोला ले लें और इसे इस तरह हाथों में गोल करेंगे और फिर इसे इस तरह कटोरी बनाएंगे। चावल का आटा है तो ये तेज़ी से फैल जाता है। अब इसमें हम दाल को इस तरह हाथ में लेकर और इस तरह गोला कर दीजिएगा तो इसे भरने में सुविधा होता है। और इस तरह और इसे चावल के आटे के गोले में इस तरह बीच में रखेंगे और इससे इस तरह इसके मुंह को बंद कर देंगे। और इस तरह करते हुए बहुत अच्छा लंबा आकार दे देंगे पीठी की तरह। इसी तरह सारे दाल के पीठी को बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह गोल आकार में भी बना सकते हैं पीठा को। इसी तरह सारे पीठे को बना लेंगे। ये
ये दोस्तों चावल का आटा ज़्यादा गीला लगे तो हाथ में सूखा आटा लगा लीजिएगा और फिर गोला ले लीजिएगा। और इस तरह लंबा चाहे गोल में, आटे के गोल में बना दीजिएगा। और इस तरह लंबा करके बीच में रख के इस तरह इसे बंद कर दीजिए इस मुँह को। और इस तरह भी कर कर आराम से आप पीठा बना सकते हैं। देखिए और इस तरह दबा दीजिए, पीठा बन चुका है। तो इसे अब हम उबालेंगे। तो गैस जलाकर कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे पीठा को उबालने के लिए, तो पानी में अच्छा उबाल आ गया है देखिए। तो अब इसमें हम एक एक करके पीठा को डाल देंगे। भी उबाल के पीठा को बना सकते हैं या फिर आपके पास इसको जालीदार बर्तन हो तो उसमें भी नीचे पानी रखकर और उस बर्तन में पीठा को रख के भी भाप से भी पका सकते हैं इसे। तो देखिए सभी पीठा को हम पानी में रख दिए हैं उबालने के लिए। जब ये उबल जाएगा तो पीठा ऊपर छताने लगेगा, तो समझेंगे कि पीठा हमारा उबल के तैयार हो गया। तो अब पीठा उबल रहा है। देखिए दोस्तों पीठा अच्छा से उबल कर तैयार हो गया और पीठा ऊपर देखिए किस तरह छता रहा है पानी में। तो पीठा बनकर तैयार है, तो इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे पीठे को निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस के साथ सारे पीठे को उबाल लेंगे पानी में। तो देखिए दोस्तों मसूर दाल का पीठा बनकर तैयार हो गया। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो पीठा का रेसिपी आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट कर बताइएगा कि पीठा का रेसिपी आप सभी को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे से मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।